आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव का एलसीएम कैसे याद करें। देखिए दशमलव का एलसीएम हम आज पढ़ेंगे एकदम आसानी से, जो एसएससी में पूछे जाते हैं और रेलवे भी में भी आते हैं। तो रेलवे में भी आते हैं तो और एसएससी में, मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगा इसको हल करना। तो आइए देखते हैं, लिखिएगा। देखिए 0.36 दिया है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिखेंगे 36/500। क्यों मान लीजिए आप सोचते होंगे 36/500 किस तरफ लिख दिया। देखिए 0.36 है तो मान लीजिए दशमलव के बाद दो अंक है, इसलिए हमने दो जीरो बढ़ा दिया, एक और दो जीरो। फिर देखिए मान लीजिए अभी यहाँ आप समझ जाएंगे, देखिए क्या दिया है, वन पॉइंट टू इक्वल टू, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो हम क्या बढ़ाएंगे, देखिए लिखेंगे 12/10। क्या 12/10, दशमलव के बाद एक अंक होता है। फिर देखिए 48 दिया है, 4.8 दिया है, क्या दिया है 4.8, हम इसको क्या लिखेंगे 48/10 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए दशमलव के बाद एक अंक है, यदि हम दशमलव के बाद एक अंक है यदि दशमलव हटाएंगे तो क्या एक जीरो बढ़ेगा। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे बीनो का एलसीएम। अब मान लीजिए भिन्न में बदल गया, किसमें, भिन्न में बदल गया, तो देखिए लिखेंगे 36/100। तो देखिए नहीं 36/100 मत लिखिए, देखिए ये कट सकता है, किससे कटेगा, 9×36 और 25×100। ठीक, ये भी कट जाएगा, ये कटेगा आपका 5×10 और 6×12। क्या 5×10 6×12, इसको आप कैसे काटेंगे, देखिए 5×10 हो जाएगा और 48 कितने में 24×48 हो जाएगा, कितने 24×48। और हम क्या करेंगे 9/25 लिखेंगे कामा 6/4 कामा 24/5, ये आपके क्या हो गया, भिन्नों का एलसीएम हो गया। देखिए भिन्न का एलसीएम का सूत्र होता है, मैंने आपका इसका भी वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा, भिन्न का एलसीएम इक्वल टू अंशों का एलसीएम अपान में हरों का एचसीएफ। देखिए इसमें आपका इसमें अंश कौन है और हर कौन है ये भी जान लीजिए, ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है हर होता है। हमको देखिए इसमें बोला है, देखिए भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए अंशों का एलसीएम, तो ऊपर वाला का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, यदि नौ आता हो तो मेरा एक वीडियो एलसीएम का है वो देख लीजिएगा, 9×6=24। ठीक, देखिए दो से भाग दीजिए, 2×2=8, 2×2=4, 2×3=6, 9, 2×6=12, 3×9 क्या हो जाएगा, देखिए 3×2=6, 3×3=9, 3×3=9, 1×1=1। ठीक, तो कितना आया है, देखिए क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे इसको लिख लीजिएगा 2×2×2×3×3। ठीक, इसको देखिए अभी 2×2×2 और 2×3×3×3, इसको अब इंटू करेंगे, 2×2=4, 4×8=24, 24×3=24 कितना होता है 24×3=72, कितना 72, क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा 72। अब देखिए नीचे वाला का क्या, हरों का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ का एक एक निकालते हैं, सबसे पहले किसका निकालेंगे 25 का एलसीएफ निकालेंगे, 5×25 होता है, 5×5 होता है, तो 5×5 कितना गया 5×5। उसके बाद देखिए 4 का, ये आपका 5×6=5 है ना यार, देखो सॉरी यार यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 5 है। तो देखिए क्या होगा, 5 का तो 5 मान लीजिए 5×5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5×5, तो देखिए ये मान लीजिए ये 5 आया, ये 5 आया, ये अभी क्या आया 5 आया है, ये 5×5 आया है, तो ये तीनों बराबर है, जबकि HCF क्या होगा, HCF कितना होगा, HCF 5 होगा, कितना HCF 5 होगा। तो देखिए 72/5 होगा, कितना 5, तो ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते करते लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सर हमको एकदम समझ में आ गया। तो चलिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर।